नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां कुकरेल नदी पर बने जो अवैध मकान है उन पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, ध्वस्तीकरण का काम जारी है। और इसी कड़ी में कल 171 मकानों को ढहा दिया गया। आपको बता दें अभी तक कुल 1000 से ज्यादा घर ढहाए जा चुके हैं और अब मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर समझाते हैं। ये अकबरनगर की आज की तस्वीर है। पूरा इलाका समतल मैदान में तब्दील हो चुका है। कुछ वक्त पहले तक यहाँ अवैध इमारतें खड़ी थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जारी बुलडोजर प्रहार के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ से अकबरनगर का नामो निशान मिट चुका है। ड्रोन से अकबरनगर की ली गई तस्वीरों पर एक नजर डालिए, जरा देखिए कैसे दूर दूर तक बस खाली मैदान नजर आ रहा है। कल 171 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला, जबकि अब तक 1320 घर ध्वस्त किए जा चुके हैं। पिछले 7 दिनों में अकबरनगर प्रथम और द्वितीय को मैदान में तब्दील कर दिया गया है। कल धार्मिक स्थलों को गिराने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को सबसे अंत में तोड़ने का फैसला किया था। गौरतलब है कि अब तक 1800 अवैध मकानों को ढहाया जा चुका है। अकबरनगर के निवासियों को पुनर्वास के लिए LDA की तरफ से फ्लैट दिए गए हैं। अब तक 1200 लोगों को उनके फ्लैट्स में शिफ्ट भी किया जा चुका है। अब अकबरनगर में मलबा हटाने का काम चलेगा। दरअसल योगी सरकार कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए अकबरनगर में अवैध रूप से बने मॉल, शोरूम, गोदाम और आवासीय मकानों को ढहाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अकबरपुर के लोगों ने अपने आशियाने को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी। वे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई चल रही है। बता दें कि अकबरनगर में 15,000 लोग रह रहे हैं, उनमें से अधिकतर मुस्लिम बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज वारदात की। ये सनसनीखेज वारदात राजौरी गार्डन इलाके में हुई, जहां पर बर्गर किंग में कुछ लोग दाखिल हुए और वहां बैठे एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उस शख्स की मौत हो गई। लेकिन क्यों और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कल रात 10 बजे के आसपास अज्ञात हमलावरों ने 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक शख्स के पास से कोई भी आईडी कार्ड और पर्स नहीं मिला और न ही शख्स के पास कोई फोन मिला है, जिससे पुलिस को पहचान करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसमें तकरीबन 10 या उससे ज्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पुलिस मृतक शख्स की पहचान करने में जुटी हुई है। बर्गर किंग में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, क्योंकि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय जितने भी लोग बर्गर किंग में स्टाफ वाले अन्य कस्टमर मौजूद थे, उन सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई टीमों का गठन किया जा चुका है। आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।